आधा सैकड़ा से ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ा। 4 चोरी सहित लगभग 10 लाख का माल हुआ बरामद। अभी और चोरियों के बारे में पता चल सकता है। रीवा पुलिस ने आधा सैकड़ा से ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह पकड़ा। 4 चोर सहित लगभग 10 लाख का माल हुआ बरामद। अभी और चोरी के बारे में पता चल सकता है। रीवा पुलिस ने आधा सैकड़ा चोरियों का किया खुलासा। 4 चोर सहित लगभग 10 लाख रुपए का माल हुआ बरामद। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। रीवा जिले में लगभग 30 से ज्यादा चोरियां, सतना जिले में 20 से ज्यादा चोरियां अभी तक इन लोगों ने कबूली है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस को पूरी उम्मीद है इनसे अभी और चोरियों के बारे में पता चलेगा। वहीं जब सतना पुलिस भी इनसे अलग से पूछताछ करेगी तो कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिन्होंने विश्वविद्यालय मऊगंज सिमरिया, समान, गुड़, गोविंदगढ़, चोराटा सहित अन्य थानों के अंतर्गत चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं दूसरी ओर इन्हीं चोरों ने सतना जिले के कुछ इलाकों में 20 से ज्यादा चोरी की घटना को अंजाम दिया था। माना जा सकता है इन चोरों के पकड़े जाने के बाद रीवा जिले में लंबे समय से चोरी की घटनाओं में जो इजाफा हुआ था उस पर अंकुश लग सकता है। उस गैंग के कुछ बिखरे एलिमेंट या ये कह सकते हैं वो साथी जो अभी उस दौरान पुलिस की पकड़ धकड़ से भाग गए थे, तो अब वो दोबारा हमारे रडार में आए हैं और उनमें से अभी 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे जो माल बरामद हुआ है वो अभी आपके सामने है। हमारे जिले की 30 चोरियां विभिन्न थाना क्षेत्रों की हैं, जो कि आपको प्रेस नोट में लिस्ट में दिया गया है, उनकी जानकारी इनसे मिली है। साथ ही साथ अभी पूछताछ में उन्होंने सतना जिले में भी लगभग 20-21 चोरियों के आसपास की जानकारी दी है। हमने इसकी इंफॉर्मेशन सतना पुलिस को भी दे दी है। उनकी टीम आकर इनसे अभी पूछताछ करेगी और इनसे इंटरोगेशन के दौरान उनकी संख्या और भी मुझे लगता है बढ़नी चाहिए। वो लोग भी अपने इसको रिमांड पर लेंगे आरोपियों को और अपने रिकवरी करेंगे, तो इससे क्षेत्र में हमारे काफ़ी संख्या में चोरियों पर भी अंकुश लगेगा और जो लोगों के साथ घटना हुई थी उनको भी उनका सामान वापस करके पुलिस अपने ड्यूटी को निभाने का एक एग्जाम्पल पेश करेगी। जो टीम ने इतना अच्छा काम किया है, बड़ी संख्या में इतनी चोरियाँ ट्रेस की हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हम लोग कैश रिवार्ड भी देंगे इस टीम के सभी मेंबर्स को। और इन सब की जो चोर हैं मिले हैं, इनकी गैंग हिस्ट्री शीट हम लोग खोलेंगे, जिससे गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं, गैंग में किस साथी का क्या रोल रहता है, उस सब पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं।